नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो चाइनीज कंपनीज ने यहाँ पर श्रीलंका में बनाया था, श्रीलंका की सरकार को ही लोन देकर, इस एयरपोर्ट पर अब भारत का हक होने वाला है। इंडिया यहाँ पर एक मेजॉरिटी ओनर बनने वाला है। बहुत ही बड़ी बात है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं चाइना के लिए भी थोड़ा बहुत एक सेटबैक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम्बनटोटा एयरपोर्ट, जो हम्बनटोटा नेवल पोर्ट के बिल्कुल करीब है, ये किस तरीके से इस पूरे रीजन के जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल सकता है। श्रीलंका इस वक्त कितने कर्जे में है, चाइनीज कर्जे में कितना ज़्यादा डूब चुका है श्रीलंका, यहाँ पर किस तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी पर भी इम्प्लीकेशन डाल सकता है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे कुछ महीनों के लिए आपसे 2-2.5 लाख रुपये ले लिए जाते हैं। वेरा स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज आपको सिर्फ 22,500 में मिलेंगे। इसमें आपका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे। सबसे पहले मैप में आपको दिखा देता हूँ कि हम्बनटोटा कहाँ पर है, हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे, और इसके सदर्न साइड पे आप देखोगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको दिखेगा हम्बनटोटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रीजन है, ये है हम्बनटोटा। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कई सालों से। पहले आपको यहाँ पे बताऊँगा कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से आई, किस तरीके से यहाँ पर एकड़ों का एरिया बिक गया, और चाइनीज़ लोन्स किस तरीके से आज के टाइम में पूरे श्रीलंका पर एक खतरे की तरह मंडरा रहे हैं। ये तो आपने यहाँ पे ज्योग्राफी समझ ली, ठीक है। अब जानते हैं हम्बनटोटा इम्पॉर्टेंट है क्यों और इसकी पूरी कहानी क्या है। तो हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका के सदर्न प्रोविंस में आता है। बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है। मैंने आपको ऊपर से मैप में दिखाया, कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिख रहा था वो रिसेंटली चाइनीज कंपनीज ने बनाया था। वैसे आप अगर पूरे एरिया को देखो, काफ़ी गरीब है, सड़कों की कमी है, कनेक्टिविटी की कमी है। और यहाँ पर इसका रीज़न भी है, एक्चुअली 2004 में जब इंडियन ओशन की बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी, जिसने यहाँ पर इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, वेरियस यहाँ पे जो कोस्टल रीजन है, काफ़ी डैमेज किया था। तो उस वक्त हम्बनटोटा को भी बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, और तब से ये कभी उस लॉस से उभर नहीं पाया। माइंड यू, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि 2004 वो दौर था जब श्रीलंका में श्रीलंकन आर्मी लट्टे यानी LTTE लंकन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इनसे भी लड़ रही थी। इसके बारे में अलग से सर्च करिएगा, मैं सब कुछ समझाने नहीं वाला यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर भी चल रही थी, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तब से हम्बनटोटा पे नज़र थी। वो देखना चाहते थे कि हम्बनटोटा को किस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसलिए 2007 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ट्विन एग्रीमेंट साइन किया हम्बनटोटा के साथ, जिससे गाउंजो, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है चाइना में, उसी की तरह हम्बनटोटा को मॉडल किया जाएगा और चाइना असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हम्बनटोटा को। हालांकि मैं ऐड कर लूं कि ये जो कोट एंड कोट असिस्टेंस होती है, बहुत ही माइन्यूट लेवल की होती है। कल्चरल हेल्प, कभी आपके यहाँ सेमिनार हो जाएंगे, हमारे एम्बेसडर कभी यहाँ पर आ जाएंगे, तो छोटे लेवल पर चाइना ने 2007 से ही हम्बनटोटा में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। फिर हम आते हैं सन 2009 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। श्रीलंका की आर्मी लट्टे को हरा देती है, LTTE को हरा दिया जाता है। फाइनली श्रीलंका में प्रॉपर सरकार का कंट्रोल है। उस वक्त जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे महेंद्र राजापक्षा जी, इनके लिए काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट था कि श्रीलंका के हर एरिया में डेवलपमेंट हो, क्योंकि इससे पहले कई सालों तक श्रीलंका का जो सारा रेवेन्यू था, सारे जो इनके रिसोर्सेज थे, ये लट्टे को लड़ने में ही लग जाते थे। तो राजापक्षा जी का जो होम टाउन है, इनका एक्चुअली जन्म, महेंद्र राजापक्षा जी का जन्म ही हुआ था हम्बनटोटा में, तो ये चाहते थे कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो। अब इसके लिए इन्होंने अनाउंस किया कि ये चाहते हैं कि इनको लोन मिल जाए किसी भी कंट्री से। इन्होंने अनाउंस किया कि अगर इंडिया, इंडोनेशिया, US, कोई भी कंट्री अगर हम्बनटोटा में निवेश करना चाहे, निवेश का मतलब बेसिकली यही होगा कि वो श्रीलंकन सरकार को लोन देगी, श्रीलंकन सरकार उससे यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, और बाद में वो जो लोन है इंटरेस्ट के साथ जिस किसी भी कंट्री से लिया है उसको चुका देगी। यहाँ पर किसी भी कंट्री ने उस वक्त श्रीलंका की बात नहीं सुनी। इंडिया के पास उस वक्त इतने रिजर्व नहीं थे, USA ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन में बिजी था, मगर एक कंट्री था जो 2007 से ही हम्बनटोटा में इंटरेस्टेड था, चाइना। इमीडिएटली चाइना आता है, और देखो इनिशियली यहाँ पर
चाइना ने ऑफर किया श्रीलंका को $307 मिलियन का डायरेक्ट लोन उनके एक्सिम बैंक से। यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कहा कि वो श्रीलंका की सरकार को ये लोन तो प्रोवाइड करेंगे, मगर इस लोन को खर्चा कैसे जाएगा ये चाइनीज टर्म्स में होगा। इस लोन से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा ये चाइनीज कंपनीज ही बनाएंगी, सारे टेंडर्स चाइनीज कंपनीज को मिलेंगे और वो लोग यहाँ पर श्रीलंका का जो सदर्न पॉइंट है हम्बनटोटा में, वहाँ पे सड़क, वहाँ पे एयरपोर्ट, वहाँ पे एक पोर्ट, ये सब चीज़ें बनाएंगे। तो इनिशियली यहाँ पर बात हुई थी कुछ मिलियन डॉलर्स के लोन की, 300 मिलियन के आसपास, मगर यहाँ पर क्या हुआ कि उस वक्त जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे महेंद्र राजापक्षा जी, इनको काफ़ी इंटरेस्ट आ गया चाइनीज लोन्स पे। इनको लगा कि ये कमाल है, यहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक कमाल की शर्तें लगाता है, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, वेयर एज चाइना सडनली एक सेवर की तरह आता है और इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, ये श्रीलंका में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये इंडिया के खिलाफ यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाना चाहते हैं। तो राजापक्षा जी ने कहा कि हम आपसे और लोन लेना चाहते हैं। तो लोन जो है मिलियन से धीरे धीरे बिलियंस की तरफ बढ़ने लग गए, बहुत सारा लोन लिया श्रीलंका की सरकार ने, पहले 4 बिलियन, फिर 7 बिलियन, फिर 8 बिलियन, आज के टाइम में अगर हम देखें तो टोटल डेट यहाँ पे श्रीलंका की सरकार पर है $13 बिलियन का। एक छोटी कंट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ा डेट है। और यहाँ पर फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है, इन्होंने ये भी रिपोर्ट किया, इनका एक आर्टिकल आया था इस पर कि चाइनीज़ कंपनीज़ अब महेंद्र राजापक्षा जी का जो पॉलिटिकल, इनका जो इलेक्शन कैंपेन है 2015 का, हम यहाँ पे 2015 में आ गए हैं, ठीक है, 2009 से लेकर 2015 तक धीरे धीरे श्रीलंका ने कई बिलियन डॉलर का लोन यहाँ पे ओल्ड लिया चाइनीज़ कंपनीज से। उसके बाद यहाँ पे राजापक्षा जी को इलेक्शन में हेल्प चाहिए थी, फंड चाहिए होते इलेक्शन लड़ने के लिए, तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने कहा कि ये आदमी अच्छा है, इसके साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम चाहते हैं ऑलमोस्ट ये कर भी रहा है, तो इसी को वापस इलेक्शन में जितवाने के लिए हम हेल्प भी कर देते हैं। और यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज़ ने एक तरीके से राजापक्षा जी को हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया। मगर देखो, चाइनीज़ कंपनीज़ ने बहुत सारा यहाँ पे लोन तो दिया श्रीलंका के उस वक्त प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल पार्टी को, मगर तब भी ये 2015 का जो इलेक्शन था वो हार गए। यहाँ पर इनके खिलाफ जो कोलिशन सरकार थी, जिसको रेनबो गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी यहाँ पर जीत हुई और श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पर सिरीसेना जी, ठीक है। ये आप इनकी फ़ोटो है, इस वक्त भी यही प्रेसिडेंट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो नई सरकार यहाँ पे श्रीलंका में आई है ये प्रो इंडिया थी। इससे पहले जो राजापक्षा जी थे वो ऑलमोस्ट प्रो चाइना हो चुके थे, वो उनको आराम से चाइनीज़ फंडिंग मिल रही थी। और यहाँ पे हम ये भी समझ रहे हैं, देखो कोई भी कंट्री बुरा नहीं होता, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, कोई भी कंट्री बुरा नहीं होता, कोई कंट्री नहीं चाहता कि किसी और कंट्री पे प्रेशर डाला जाए, हाँ वहाँ के जो लीडर होते हैं उनको खरीदा या बेचा जा सकता है। तो राजापक्षा जी को ऑब्वियस ही बात है, ये विकीलीक्स में भी काफ़ी बार रिलीज हो चुका है और वेरियस जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स और जापानीज न्यूज़ आउटलेट्स, उन्होंने इसको कवर भी किया है कि चाइनीज़ कंपनीज ने बढ़ चढ़ के राजापक्षा जी की पार्टी है उसको सपोर्ट किया, मगर तब भी 2015 के इलेक्शन वो हार गए। फिर आई नई सरकार, अब नई सरकार जो प्रो इंडिया है, यहाँ पर सीधी सी बात है जो चाइनीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके खिलाफ काम करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, हम्बनटोटा एयरपोर्ट में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब कुछ ख़त्म करो। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जब आप लोन ले लेते हो तो चाहे सरकार बदले या सरकार वही रहे, लोन तो आपने ले ही लिया है। तो यहाँ पर श्रीलंका की जो नई सरकार थी उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि महेंद्र राजापक्षा जी के टाइम में जो बहुत ही बड़ा लोन इन्होंने ओढ़ लिया था, अब इसको वापस तो पे करना था, तो यहाँ पर इनके माइंड में यही सवाल आया कि इसको वापस पे कैसे करेंगे। अब ये जो मैप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पार्ट ये है हम्बनटोटा, ऊपर यहाँ पे कोलंबो है, ठीक है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर राजापक्षा जी के टाइम में, महेंद्र राजापक्षा जी के टाइम में 2015 से पहले खूब लोन लिए गए चाइनीज कंपनीज द्वारा, यहाँ पर बिना बात के प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो बहुत ही बड़े फेलियर भी साबित हुए। इस एरिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन से यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक नेवल पोर्ट बनाया, जहाँ पे उम्मीद थी कि खूब सारी शिप्स यहाँ पे आएगी, यहाँ पर रुकेगी, इसके ये पैसे कमाएंगे। उम्मीद तो बेसिकली सरकार की यहाँ पे श्रीलंका की यही थी कि चाइनीज़ लोन ले लेंगे, यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर नेवल पोर्ट बनाएंगे, इससे कमाई होगी, चाइना को इंटरेस्ट वापस पे कर देंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, जो हर एक आदमी बेसिकली बिजनेसमैन सोचता है लोन लेते हुए। चाइनीज़ यहाँ पे श्रीलंका की सरकार ने भी यही सोचा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जो ये प्रोजेक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े फेलियर साबित हुए। इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। देखो, पहली बात तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
ये उस वक्त के जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे महिंद्र राजापक्षा जी, उनके नाम पे रखा गया था ये, उनकी शान में। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिलेशन थे उनके चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। फिर उसके बाद नीचे जो यहाँ पे हम्बनटोटा का पोर्ट है, ये इतना बड़ा फेलियर साबित हुआ कि यहाँ पर बस कुछ चुनिंदा बस 2 दर्जन के आसपास शिप्स यहाँ पर डॉक करी 1 या 2 साल में। तो आज के टाइम भी बिल्कुल वीरान पोर्ट पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर शिप रुकती नहीं है। एक बहुत ही बड़ा लॉस है श्रीलंका की सरकार को, इस हम्बनटोटा पोर्ट से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिर है यहाँ पर ये एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को आज के टाइम में कहा जाता है दुनिया का सबसे वीरान एयरपोर्ट। आप सोच कर देखिए कि कोई आदमी लोन ले बिज़नेस करने के लिए, और वो बिज़नेस ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं चल रहा, उसको प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं चला, पिट गया। यहाँ पर बिल्कुल ये खाली एयरपोर्ट साबित हो गया और श्रीलंका की सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई कि ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं चाइनीज़ लोन द्वारा, अब इसका क्या करें। तो श्रीलंका की जो नई सरकार आई है, उन्होंने मजबूरी में यहाँ पर ये उनको करना पड़ा, सिंस उनके जो ओवरऑल जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा कम था और लोन इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, उनका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था, कि उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये चाइनीज़ कंपनी को लीज़ पर दे दिया 99 सालों के लिए, 99 ऑलमोस्ट फॉरएवर ही समझ लो आप, 99 सालों के लिए हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंकन कंपनी को लीज़ पर दे दिया गया। उसके बदले में यहाँ पर श्रीलंका की सरकार को मिले $1.1 बिलियन, जिसकी मदद से वो ऑलरेडी इन पर जो चाइनीज़ लोन है इसको वापस चुकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक लीडर की गलती की वजह से एक कंट्री कितना ज़्यादा भुगत सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे इतने बड़े फेलियर क्यों साबित हुए, रीज़न क्या था। देखो रीज़न बहुत ही सिंपल है कि बाकी जो यहाँ पे श्रीलंका है ऊपर का जो एरिया है इसके साथ कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रा इसकी पुअर है, और ऑलरेडी यहाँ पे श्रीलंका में जो भी बिज़नेस होता है, जो भी एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए कोलंबो का पोर्ट काफ़ी था। यहाँ पर बिज़नेस एक्सेस नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोलंबो के पोर्ट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसको एक सिस्टर पोर्ट की आवश्यकता है, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी ओके था, इन प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता थी नहीं, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स फेल हुए। अब यहाँ पे हमको ये भी समझ में आता है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर कोई और संस्था, यहाँ पर ये लोग इनको लोन क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते ही एक बहुत ही बड़ा वो इकोनॉमिक फेलियर साबित होगा, तो यहाँ की सरकार इस लोन को रीपे कैसे करेगी। मगर यहाँ पे हमको समझ में आता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की यहाँ पे इंटेंशन शुरू से ही यही थी कि इनको लोन दे दो, लोन वापस ये कर नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे कि ठीक है आप अगर लोन वापस नहीं कर पा रहे तो अपनी ज़मीन गिरवी रख दो, उसको लीज़ पे दे दो। तो यही यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी, और इंडिया ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और एक बहुत ही बड़ा एक एरिया यहाँ पे एकड़ों का एरिया चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो हम्बनटोटा का पोर्ट है ये तो इस वक्त चाइनीज़ कंपनी के पास है, और इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि यहाँ पर चाइना अब सबमरीन ना डॉक करनी स्टार्ट कर दे, यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर ना ले आए, इसको मिलिट्राइज ना कर ले, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका की सरकार के पास लोन ही इतना बड़ा है कि मजबूरी में आके वो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हम थोड़ा सा हमको और रिस्पाइट दे दो लोन से, उसके बदले में यहाँ पे आप मिलिट्री या फिर कुछ नेवल वगैरह की जो आपकी नेवी की कोई चीज़ है वो भी आप डॉक कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा इशू था। मगर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एयरपोर्ट है ये अभी भी श्रीलंका की सरकार के पास है, ठीक है, ये अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं गया, और यहाँ पर इसी एयरपोर्ट को रिसेंटली एक्वायर करने के प्रोसेस में है इंडियन गवर्नमेंट। देर आए मगर दुरुस्त आए। अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि जब हम्बनटोटा पोर्ट को चाइनीज़ कंपनीज ने एक्वायर किया तो दुनिया ने इसका क्या रिएक्शन दिया। सबसे पहले रिएक्शन आता है यहाँ पर जापान का जो जापान टाइम्स उनका अखबार है वो सीधा सीधा डिक्लेयर कर देता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो एक थ्योरी है कि धीरे धीरे चाइना एनसर्कल कर रहा है इंडिया को, उसी का पार्ट है, और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चाइना एक नेवल बेस भी बना ले, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था $13 बिलियन का यहाँ पे डेट है, और यहाँ पर जो श्रीलंका की सरकार का टोटल रेवेन्यू होता है यही 14-15 यहाँ पे बिलियन डॉलर का होता है, तो किस तरीके से इस लोन को ये चुकाएंगे, तो काफ़ी प्रेशर में है ये। अब यहाँ पर फिर USA ने भी अपनी नीति चेंज कर ली। अब देखो क्या था कि जब लट्टे के खिलाफ श्रीलंका की सरकार लड़ रही थी तो ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे काफ़ी बार USA की सरकार ने यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया UN में और भी संस्थाओं के सामने, तो इस वजह से USA और श्रीलंका के जो रिलेशन थे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मगर जैसे ही हम्बनटोटा की जो पोजेशन है ये चाइना के पास आती है, USA भी अपनी नीति चेंज कर लेता है। ये एक रिपोर्ट यहाँ पे आती है पेंटागन की, इसका नाम है श्रीलंका
रीचार्टिंग US स्ट्रेटजी आफ्टर द वॉर, कि भैया अब रीचार्ट करने की जरूरत है, हमको जो पूरी नीति है श्रीलंका को लेकर ये चेंज करनी होगी, क्योंकि अब हम्बनटोटा में चाइनीज कंपनी का कब्जा है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे इंडिया की जो डोमिनेंस है इस रीजन में, ये तो काफ़ी हद तक अफेक्ट होगी ही, यहाँ पर जो USA की प्रेजेंस है उसको भी चैलेंज कर सकता है चाइना, श्रीलंका में नहीं कह रहा, उसके अलावा यहाँ पे डिएगो गार्सिया जो श्रीलंका से थोड़ा सा दूर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है USA का, वहाँ पर जो USA की डोमिनेंस है उसको भी चैलेंज कर सकता है यहाँ पर चाइना। तो सिंस USA, इंडिया, वेरियस कंट्रीज, हम्बनटोटा का जो डिजास्टर था जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर एकड़ों की ज़मीन एक्वायर कर ली, ये देखकर बहुत सारी कंट्रीज इनसिक्योर फील कर रही थी। फाइनली श्रीलंका की सरकार को एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इन्होंने अपना पूरा नेवल यूनिट हम्बनटोटा में शिफ्ट कर लिया। बहुत बड़ी बात है कि नेवल यूनिट कोई कंट्री अपना शिफ्ट कर ले, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज इतना ज़्यादा वरी थी कि यहाँ पे हम्बनटोटा में चाइनीज़ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो श्रीलंका की सरकार ने यहाँ पे कहा था कि चाइनीज़ कंपनीज ने वादा किया है कि हम्बनटोटा में कोई यहाँ पे सबमरीन डॉक नहीं होगी और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो श्रीलंका देखेगा, मगर सिंस हम्बनटोटा में 85% जो स्टेक है ये चाइनीज़ कंपनीज़ का है, तो श्रीलंका के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर थी नहीं, और बाकी कंट्रीज भी समझती थी कि अगर मान लो यहाँ पर चाइना कल को एक सबमरीन डॉक करके निकल भी जाता तो यहाँ पर श्रीलंका को पता भी नहीं लगेगा, इनके पास रेडार इक्विपमेंट वो इनके पास एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। तो प्रेशर में डालकर श्रीलंका को यहाँ पर हम्बनटोटा में अपना नेवल यूनिट भी यहाँ पे पोजीशन करना पड़ा, ताकि ये खुद निगरानी कर पाए कि हम्बनटोटा में चाइना जो भी कर रहा है ये ट्रेड के हिसाब से ही है, यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना हो जाए। अब देखो ये तो जो श्रीलंका ने करना था वो कर लिया, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन में आती है बहुत सालों बाद। ये तो मुझे अजीब ही लग रहा है कि 2007 से लेकर अब तक जो भी चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, फाइनली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था हम्बनटोटा का जो पूरा एरिया है वहाँ पे पोर्ट है, फिर एक एयरपोर्ट भी है, वो एयरपोर्ट भी घाटे में चल रहा है, दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहते हैं उसको। तो इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि हम इस एयरपोर्ट का जो मेजॉरिटी स्टेक है 75% के आसपास का जो मेजॉरिटी स्टेक है ये एक्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि श्रीलंका की सरकार को जो प्रेशर है इस एयरपोर्ट का, इस एयरपोर्ट का जो डेट है वो चुकाना है चाइनीज़ कंपनीज़ को, वो थोड़ा बहुत इससे इनको राहत मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा लोन इनका माफ़ हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे रिस्पाइट मिलेगा, जिस लोन के अंडर श्रीलंका की सरकार दबी हुई है उस लोन को इनडायरेक्टली यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया पे कर रहा है, इंडिया देगा श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका उस पैसे को देगी वापस चाइनीज़ कंपनीज़ को, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पर इंडिया ने चाइनीज़ कंपनीज़ का बना हुआ ये एयरपोर्ट मताला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस ये जो नेवल पोर्ट है उससे काफ़ी करीब है, इंडिया आराम से निगरानी रख सकता है कि यहाँ पे चाइना कोई यहाँ पर सबमरीन या कोई और वॉरशिप डॉक ना करे, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए USA के लिए भी, बाकी जो और कंट्रीज़ है यहाँ पे जो ट्रेड करती है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस बना ली तो यहाँ पर जो ट्रेड होता है इसको वो चोक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली श्रीलंका के जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन है उन्होंने रिसेंटली अपने कंट्री के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि हाँ बिल्कुल जो ये एयरपोर्ट है लॉस मेकिंग एयरपोर्ट है यहाँ पर अब इंडिया एक्विजिशन करेगा और उससे हमको लोन चुकाने में भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हम बेसिकली ये देख पा रहे हैं कि चाइनीज़ एक्टिविटीज़ पर इंडिया नज़र रख पाए इसके लिए इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर और खर्चने पड़ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि 2007 से यहाँ पर जो भी चाइनीज़ इंटरेस्ट थे इंडिया ने इस पर नज़र नहीं रखी यहाँ पर, और आगे जाकर इतना बड़ा हमको प्राइस पे करना पड़ रहा है। खैर अभी भी एज आई सेड अर्लियर देर है दुरुस्त है, हम अगर यहाँ पे ये एयरपोर्ट एक्वायर कर लेते हैं, हालांकि अभी के लिए लॉस मेकिंग है, मगर हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया इसको कुछ प्रॉफिट मेकिंग एक एयरपोर्ट में भी कन्वर्ट कर ले, अगर इसको ना भी कर पाए तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा एक इंटेलिजेंस बेस रहेगा। अगर आप ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे सुखोई डिप्लॉय करेगा या कुछ और होगा, वो कुछ नहीं है, अगर इंडिया यहाँ पे एयरफोर्स अपनी डिप्लॉय करता है तो सीधी सी बात है हम्बनटोटा का जो पोर्ट है वहाँ पे चाइना सबमरीन भी यहाँ पे डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर देगा, तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये बस निगरानी रखने की एक आउटपोस्ट है अभी के लिए, बहुत ही महंगी आउटपोस्ट है और ये मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है। खैर ये था पूरा एनालिसिस इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबे टॉपिक का, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपने यहाँ पे सीखा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।